अच्छी शिक्षा के लिए अपने बच्चों का एडमिशन महंगे और निजी स्कूल में कराने में लगे हैं, वहीं खंडवा कलेक्टर तन्वी सुंदरियाल ने अपने 1.5 साल की बच्ची का आंगनवाड़ी में दाखिला करवाकर लोक सेवा की एक अनोखी मिसाल पेश की है। कलेक्टर तन्वी सुंदरियाल चाहती तो अपनी बेटी के लिए सभी सुविधाओं वाले प्राइवेट प्ले स्कूल को चुन सकती थी, लेकिन उन्होंने इससे परहेज करते हुए अपनी बच्ची का दाखिला आंगनवाड़ी में करवाया। मध्य प्रदेश के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी व खंडवा की कलेक्टर तन्वी सुंदरियाल आज समाज के उन बड़े और अमीर लोगों के लिए मिसाल बन गई हैं जो अपने बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाने को अपनी शान समझते हैं। जिलाधिकारी तन्वी सुंदरियाल ने सरकारी सिस्टम पर भरोसा जताते हुए अपनी 1.5 साल की बेटी पंखुड़ी का घर से 2 किलोमीटर दूर आंगनवाड़ी में दाखिला करवाया है। कलेक्टर की बेटी पंखुड़ी आंगनवाड़ी में पढ़ने जाती है। कलेक्टर तन्वी सुंदरियाल का कहना है कि जिले के समस्त आंगनवाड़ी की गुणवत्ता में सुधार लाने का काम जल्द शुरू होगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी स्कूल रिडेशन मॉडल के रूप में नए शिक्षण सत्र में तैयार किए जाएंगे ताकि यहाँ बच्चों को बेसिक ज्ञान मिल सके। तन्वी सुंदरियाल की बेटी पंखुड़ी बच्चों की तरह आंगनवाड़ी में बैठकर पढ़ाई करती है। आंगनवाड़ी में हर वो चीज सीख रही है जो दूसरे बच्चे सीख रहे हैं। आंगनवाड़ी में वह सभी बच्चों के साथ साथ कार्यकर्ता और सहायिका के साथ घुल मिल गई है। लोक सेवक के रूप में कलेक्टर की इस पहल की हर जगह सराहना की जा रही है। हमारे यहाँ पुलिस लाइन के आंगनवाड़ी केंद्र पर आज पंखुड़ी आई है, जो आदरणीय कलेक्टर महोदय की बच्ची है। आज वो पहली बार आई है, उनकी केयर टेकर द्वारा आज उन्हें यहाँ आंगनवाड़ी पर पहली बार छोड़ा गया है, लेकिन सभी बच्चों में वो आज पहले दिन घुल मिल गई है। जो अन्य बच्चे आ रहे हैं नॉर्मल, वो भी गतिविधि कर रही है, सबसे पहचान करी उसने, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से भी उसने पहचान करी, कार्यकर्ता के साथ भी घुल मिल गई है। फर्स्ट दिन ही आंगनवाड़ी पर जो सेवाएं दी जा रही है, जो नॉर्मल बच्चों को दी जा रही है, वो पंखुड़ी के लिए भी सभी चीज़ें सामान्य हैं। हमारे जैसे कई अधिकारी हैं जो शासकीय स्कूलों में या शासकीय आंगनवाड़ी में अपने बच्चों को भेजते हैं। हम बहुत अच्छी आंगनवाड़ी वो है भी, और साथ साथ और भी आंगनवाड़ियों का आकलन किया गया है, और इससे एक चीज़ एक ड्राइव लेके जो अर्बन एरियाज़ हैं उनमें हम लोग अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे जो फोकस होता है, जो कई बार आंगनवाड़ी में मिस हो जाता है, क्योंकि आपका फोकस कई बार वेट लेने में, आपके इम्यूनाइजेशन कराने में, आपके अलग अलग इवेंट्स कराने में, आपका खान पान वितरण कराने में, टेक होम राशन देने में, इसमें भी बहुत ज़्यादा अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इन्वॉल्व रहती है। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो स्कूल रेडिनेस मॉड्यूल है, मान लीजिए आंगनवाड़ी क्या है, एक स्कूल जाने से पहले एक बच्चे को तैयार करने के तरीका है, और उस बच्चे को हम बेसिक चीज़ें सिखा पाएँ, रंग पहचानना, नंबर पहचानना, क्योंकि जो 0 से 6 साल होता है उसी में सबसे ज़्यादा बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट पे आप फोकस कर सकते हैं। तो उस चीज़ों पे हम कैसे कर सकते हैं, किस तरह के टॉयज, ऐसे नहीं कि कोई भी टॉय दे दें, सेंसरी टॉयज अलग होते हैं, जो बोलने में इनकरेज करते हैं वो अलग होते हैं, जो मोबिलिटी इंक्रीज करते हैं वो अलग होते हैं, उम्र के हिसाब से अलग होते हैं, उनको यूज़ करने का तरीका अलग अलग होता है। तो उस तरह की अभी हम लिस्टिंग करवा रहे हैं और उस तरह के कार्यकर्ताओं को फिर ट्रेनिंग भी करवाएंगे।